इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जिनका आईक्यू लेवल था 420, ना 421, ना 419, 420। नंबर एक, देखो कोविड तो 2020 में हुआ, पर उसके 10 साल पहले एक डॉक्टर एलेना बोडनार करके वैज्ञानिक है, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी ब्रा बनाई थी जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था, क्योंकि इस ब्रा को निकालते ही ये दो अलग अलग फेस मास्क बन जाते हैं, जिनमें से एक आप अपने दोस्त को पहना सकते हो और एक आप खुद पहन सकते हो, ताकि ये ब्रा भी इमरजेंसी सिचुएशन में फेस मास्क के लिए यूज हो सके। भाई क्या दिमाग लगा है, मतलब आईक्यू लेवल 420, कोविड के टाइम में पता होता तो भाई मजो आ जाता। नंबर दो, देखो 420 आईक्यू इतना रेयर भी नहीं है मार्केट में, मतलब वो होते ना चीटर्स वगैरह लोग, तो जापान में उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही थी कुछ 20 सालों पहले। तो तभी एक वैज्ञानिक नहीं पर एक डिटेक्टिव एजेंसी के प्रेसिडेंट थे, ताकिजी माकिनो, इन भाई ने एक स्प्रे बनाया था जिसका नाम था एस चेक, और ये एस माने सीमन, सिमरन नहीं सीमन। तो अंडरवेयर में कहीं पे सीमन लगा हुआ है कि नहीं उसे चेक करने के लिए स्प्रे बनाया था। तो जापान में बहुत सारी पत्नियां स्प्रे का यूज करने लगी थी, वो चुपके से अपने पति के अंडरवेयर में स्प्रे लगा देती है, ताकि जब पति काम के बहाने कहीं किसी और के साथ धमाल मचा के आए और गलती से अगर थोड़ा सा सीमन रह गया चड्डी में, तो कुछ घंटे बाद उस चड्डी का कलर बदल जाता है अंदर से, ताकि जब पत्नी घर पे चेक करे उसकी चड्डी तो पता चल जाएगी हरामी काम के बहाने किसी और के साथ धमाल मचा के आता ही है। तो इसी एस चेक स्प्रे का इनोवेशन के लिए इन तकेशी माकिनो भाई को अवार्ड मिला था। पर एक बात बताऊं, ये स्प्रे बहुत महंगा मिलता था उस टाइम पे, मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे पता चला कि 1999 में भी ये स्प्रे 12,000 रुपये का मिलता था। भाई 1999 में 12,000 कौन बिगाड़ेगा चेक करने के लिए, हम तो यहाँ भारत में चड्डी सूंघ के पकड़ लेते भाई। नंबर तीन, अब आपकी बारी, आप बताओ दो पैरों के बीच में से आपको क्या दिखता है। मैं बताता हूँ, कुछ वैज्ञानिकों ने इस एक सवाल पे पूरे 25 पेज का रिसर्च पेपर छाप दिया भाई। अबे मैं ट्रिगोनोमेट्री पे एक पेज नहीं लिख पाता एग्जाम में, इन लोगों ने इस क्वेश्चन पे पूरे 25 पेज छाप दिए भाई, और इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। हाँ, बेसिकली ये रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया था कि आप सीधे खड़े खड़े किसी चीज या इंसान को देखो तो वो नॉर्मली दिखते हैं, पर अगर आप जो देख रहे हो, जिस सीन को आप देख रहे हो अपनी आंखों से, उसे ज्यादा ब्राइटनेस में देखना है या फिर अच्छी क्वालिटी में देखना है, अपनी देखने की क्वालिटी को 720p में से 721p करना है, yes. तो ऐसे सीधे खड़े खड़े मत देखो, अपनी मुंडी को दो पैरों के बीच में रख के उल्टा होकर देखो, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर और ब्राइट दिखेगी। आसान भाषा में इस 25 पेज के रिसर्च पेपर का समरी बता दूं, तो सीधी मुंडी करके किसी भी चीज को देखने से अच्छा अपनी मुंडी को पैरों के बीच में से उल्टा करके देखो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखता है, मतलब 720p में से 721p, और इतना छोटा चेंज हमें नहीं दिखता पर कंप्यूटर को दिख जाता है। तो इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। मैं सोच रहा था कई सालों से ये बच्चे लोग अपनी मुंडी उल्टा करके क्यों देखते हैं, आज पता चला। चलो मिलते हैं अब, कोई बात नहीं, किसी और दिन। और आप भी बता दो ऐसे वैज्ञानिकों के इनोवेशन पे और भी वीडियोस चाहिए, तो बहुत मजा आता है ऐसे रिसर्च करने में। हाँ, तो डटे रहिए, धन्यवाद।